अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, ये मेरा वीलॉग DJI की जो ड्रोन सीरीज़ है जिसके ऊपर मैंने वीलॉग्स शुरू किए हुए हैं। आज मैं तीन ड्रोन्स के बारे में आपको उसका तारफ करवाऊँगा, DJI Phantom 4, DJI Phantom 4 Pro और DJI Phantom 4 Pro Plus। ये तीन मॉडल जो DJI ने बनाए ये बहुत एक क्लासिक मॉडल्स हैं। 4K आप इसके ऊपर वीडियो बना सकते हैं, चाहे वो DJI Phantom 4 है, 4 Pro है या 4 Pro Plus है। 4 Pro और 4 Pro Plus में सिर्फ इतना फ़र्क है कि जो Plus है उसके अंदर जो आपका रिमोट कंट्रोल है उसके ऊपर एक बिल्ट इन स्क्रीन है, वेयर एज जो आपका Phantom 4 Pro है उसके ऊपर बिल्ट इन स्क्रीन नहीं है। लेकिन याद रखिएगा कि तीनों में आप जो एक सिंपल आप रिमोट कॉमन इस्तेमाल कर सकते हैं। कैमरे का फर्क जरूर है कि जो Phantom 4 है उसके अंदर जो पिक्चर्स हैं वो 12 मेगापिक्सल्स बनती हैं, वेयर एज Phantom 4 Pro और 4 Pro Plus जो है उसके अंदर 20 मेगापिक्सल आप बना सकते हो जो पिक्चर्स हैं, और उसकी जो रेजोल्यूशन है वो भी ज्यादा तेज है, और उसके हिसाब से जो आपकी जो ब्लर आती थी वाइल मेकिंग द वीडियो इन Phantom 3 के अंदर, वो ब्लर वगैरह नहीं आती। इसके अंदर ज़्यादा स्टेबिलिटी है, जो इसका गिम्बल है वो भी बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग और स्टेबल है। इसके अलावा जो फ़र्क है मैं अभी आपको बताऊंगा कि सबसे पहले कि जो पैकिंग आती है उसके अंदर कैसे है। ये DJI जो Phantom सीरीज़ है वो इस तरह के बॉक्सेस के अंदर वो भेजते हैं, और ये बड़ा प्रोटेक्टिव बॉक्स होता है और जिसके अंदर आप अपने ड्रोन को कैरी कर सकते हैं। इसको कभी भी थ्रो ना कीजिएगा, इसको अपने पास रखिएगा। बेशक आप अपने ड्रोन को अपने बैकपैक पे लेके जाते हो, कहीं भी लेके जाते हो, लेकिन ये आपको एंड पे यही काम देगा। इसके साथ ये मैं ड्रोन आपको दिखाता हूँ। ये ड्रोन है जो Phantom 4 और Phantom 4 प्रो की सीरीज के अंदर आता है। शक्ल एक जैसी है, सारा कुछ एक जैसा, लेकिन फर्क मैं आपको बताने लगा। 4 के अंदर जो है आपको सिर्फ फ्रंट पे सेंसर्स मिलते हैं, बैक पे सेंसर्स नहीं है, लेकिन जो Phantom 4 Pro है उसके अंदर ऑल अराउंड उसके सेंसर्स हैं। ये देखिए कि दो फ्रंट पे हैं, दो बैक साइड पे हैं, इसी तरह साइड पे इधर दो और दो इधर, आप चारों तरफ, यानी कि चारों तरफ इसके सेंसर्स हैं जो कि ऑब्स्टिकल अवॉयडेंस इसको भी कहते हैं। इसके अंदर अक्सर लोग मुझसे सवाल करते हैं कि ये जो बड़े वाला सेंसर है ये काहे के लिए होता है। ये मैं आपको बता दूं कि आप जब माउंटेन्स के अंदर या बिल्ट अप एरिया के अंदर जब आप ड्रोन को उड़ाते हो तो सेंसर्स तो इसको प्रोटेक्ट करता है कि प्रोटेक्टिव जो अवॉयडेंस ऑब्स्टिकल, लेकिन इसके साथ अगर आप रिकॉग्निशंस के तौर पे इसको इस्तेमाल करते हैं और 3D आप उसके ग्राफिक लेना चाहते हैं तो 3D ग्राफिक्स के अंदर ये जो आपके दोनों साइडों पे सेंसर्स हैं ये आपको उसी तरह कंट्यूअर्स और बकायदा ग्राफिकल विजन में दिखाएगा कि यहाँ पे बिल्डिंग है या यहाँ पे माउंटेन है। और इसी तरह आपके यहाँ पे बॉटम पे आप देखिए कि सोनार भी है और कैमरास भी हैं इसके अंदर, यानी कि सोनार तो 4 में भी है लेकिन इसका ज़्यादा पावरफुल है। और इसमें यह है कि अगर जब भी आप ऑटो लैंडिंग करवाएंगे तो ऑटोमेटिकली ये जो सोनार है और इसका जो कैमरास हैं ये उसको ऑटोमेटिकली स्टेबल करते हैं। इसी तरह जब आप टेकअप भी करते हैं तो इस जो जिस जहां से ये टेकअप करेगा वहां की ये पिक्चर ऑटोमेटिकली खींच लेता है और फिर उसी जगह पे पिन पॉइंट पे उसी पे आएगा। इसकी एक्यूरेसी लैंडिंग की ज़्यादा है जो सिंपल जो Phantom 4 है, क्योंकि इसके अंदर प्रोफेशनल इसलिए कहा जाता है ना कि इसके अंदर जो चीज़ें ज़्यादा हैं। जब आप इसके जो सेटिंग है इसकी जब भी जाएंगे कहीं भी जाएंगे तो इसकी कॉन्फ़िगरेशन करना बहुत ज़रूरी है। कंपास जो है इसकी एरर दूर करने के लिए आपको इसको रोटेट करना होगा कहीं भी आप जाएंगे। ये नहीं है कि आप इसको पकड़ कर खुद रोटेट हो, खुद रोटेट नहीं होना, ये याद रखिएगा। अक्सर लोग गलती करते हैं कि इसको पकड़ कर ना खुद घूमते हैं चारों तरफ, वो नहीं करना है। इसको आप खुद खड़े रहें, इसको उस जगह पे घुमाएं, क्यों, वजह के फिर इसकी एक्यूरेसी वही होगी। लेकिन अगर आप पकड़ के उसको खुद घूमेंगे तो आप खुद अंदाजा कर लेना कि आपका जो रेडियस है
वो आप उसको बढ़ा देंगे, और जब रेडियस बढ़ा देंगे उसके अंदर इसकी लैंडिंग की एक्यूरेसी भी कम होगी, प्लस जब ये टेक ऑफ करेगा तब भी इसकी एक्यूरेसी कम पड़ जाती है। लेकिन अगर आप 0 पिन पॉइंट पे चलेंगे तो डेफिनेटली ये वहीं पे लैंड करेगा जहां से ये टेक ऑफ किया। अब आ जाते हैं इसके कैमरे के ऊपर। ये याद रखिएगा कि इसकी कैमरे की जो प्रोटेक्शन है वो बहुत ज़रूरी है। वजह क्या होती है कि ये अलॉय मेटल तो ज़रूर है, लेकिन अगर कोई भी थोड़ा सा प्रेशर पड़ेगा तो इसके टूटने के अम्कानात बहुत ज़्यादा हो जाते हैं। इसी तरह ये जो अगर आप इसको मैनुअली घुमाने की कोशिश करें, जोर लगाएंगे, वो भी होगा कि ये ऑफ बैलेंस हो जाएगा। इसको कन्फिगर करना पड़ेगा, या अगर आप ऑन है, याद रखिएगा कि कभी भी जब भी आप इसकी प्रोटेक्शन लगा के इसको, ये प्रोटेक्शन है इसकी, ये प्रोटेक्शन लगा के कभी भी इसको ऑन नहीं करना। अगर आप इसको प्रोटेक्शन लगा के ऑन करेंगे तो याद रखिएगा कि इसका जो मोटर्स हैं गिम्बाल की, उसके ऊपर प्रेशर पड़ सकता है। फिर यही जो बैटरीज हैं इसकी, ये याद रखिएगा कि ये देखें, चेक कीजिए कि ये बैटरी जो है इसकी, हमेशा जब भी आपने इसको स्टोर करना है तो इसकी बैटरी जो ना 100% चार्ज पर नहीं रखनी। बहुत ज़्यादा मैक्सिमम आप इसकी बैटरी को चार्ज रखना चाहते हैं तो 90 तक रखिए, इससे ऊपर नहीं। नॉर्मल जो स्टैंडर्ड है ना वो है 50 to 70, लेकिन अगर 30 भी चला जाए तो कोई बात नहीं है, लेकिन 100% चार्ज करके कभी भी इसको स्टोरेज में ना रखिएगा, क्योंकि बैटरी के ऊपर, क्योंकि ये लिथियम बैटरीज हैं और इसलिए इसके ऊपर बहुत ज़्यादा बुरे असरात पड़ते हैं। अब इसी तरह आप देखिए, मैं आपको एक उसको स्टार्ट करके बताऊंगा कि आपने इसकी जब भी करना है, इसका प्रोटेक्टिव जो ग्लास है ये, इसको उतारा, उतार के फिर आपने स्टार्ट करना है, क्योंकि जो आपका गिम्बल है इसने आपने आपको एडजस्ट करना होता है और अपने आप को स्टेबल करना होता है। अभी आप देखिए, मैं इसको स्टार्ट करूंगा, फिर आप देखिएगा कि ये कैमरा खुद मूव करेगा, अपने आप को एडजस्ट करेगा और उसके बस स्टेबल हो जाएगा, क्योंकि इसकी मोटरें हैं, उन्होंने अपने देखे ना, नज़र आ रहा है, पहले अप डाउन हुआ और उसने उसके बाद अपने को स्टेबल किया, लाइटें ऑन होना शुरू हो गई। इसका मतलब क्या होता है कि अभी जो ड्रोन है वो बिल्कुल तैयार हो गया। अभी इसी तरह अगर आप इसको यहाँ पे बैठ के जब वो कन्फिगर करेंगे तो आप देखें, कन्फिग्रेशन के अंदर सबसे पहला स्टेप जो है ना वो इसी तरह कि आप इसको बैठे बैठे भी घुमा सकते हैं या खड़े होकर घुमा सकते हैं, इसी तरह फिर साइड के हिसाब से भी इसी तरह चलेंगे ताकि इसकी जो एडजस्टमेंट है कंपास जो है वो पूरी एडजस्ट हो सके। जब ये हो जाएगा फिर उसके बाद आप समझें कि आपका जो ड्रोन है, वैसे तो ये वैसे ही रेडी होता है, कहीं भी ले जाएंगे तो जो ही स्टार्ट करेंगे ऑटोमेटिकली अपने आप को वो कंपास करेक्ट कर लेता है, लेकिन सबसे बेस्ट मेरी रिकमेंडेशन होती है कि कहीं भी जाएं इसको एक दफ़ा चेक कर लें ताकि आपकी एक्यूरेसी रहे। वजह, इसके अंदर एक होम का बटन है, उसने रिकॉर्ड, अगर आपने कहीं गलती से सेव किया गया, ये परमानेंट होम एड्रेस ये है, तो अगर जो ही आप कहीं और गए हुए हैं होम का बटन दबाएंगे तो ये बजाय आपके पास आने के ये वहां जाएगा जो आपने परमानेंट सेव कर दिया हुआ। ये गलती कभी ना कीजिएगा, इसका ऑटोमेटिकली वही होम होना चाहिए जहां से आपने इसको इस फ्लाई किया। अगर आप इसको पुराने पर रखेंगे तो वो बहुत बड़ी गलती करेंगे, तो इसलिए इसको सेव करने की ज़रूरत नहीं है। अभी मैं आपको इसकी जो रिमोट है उसके बारे में बताना चाहूँगा, क्योंकि वो बहुत ज़रूरी है कि उसको आपको बताया जाए। तो देखें, जो इसका रिमोट है ये आप 4 के साथ भी इस्तेमाल कर सकते हैं, 4 Pro Plus तो है, यानी सॉरी 4 Pro तो है ही है। आपको पहले बता रहा था कि इसमें फ़र्क क्या है 4 Pro में और 4 Pro Plus में, ड्रोन में बिल्कुल नहीं फर्क, ड्रोन वही है, सिर्फ फर्क क्या है, ये जो है ना, ये इसके अंदर स्क्रीन नहीं है, यहाँ पे आप अपना टेलीफोन रखेंगे, टेलीफोन लगाएंगे या आप कोई भी जो पैड है, जो टच पैड है, उसको आप इसमें इस्तेमाल कर सकते हैं और इसको आप एडजस्ट भी यहाँ से कर सकते हैं ऑटोमेटिकली, और आपका ये काफ़ी इंक्रीज हो जाता है। टच पैड जो बड़े वाला भी है वो भी आ जाता है इसके अंदर, नॉर्मली हम इसको टेलीफोन इस्तेमाल करते हैं, तो बस फर्क इतने है कि इसके अंदर वो स्क्रीन नहीं है, उसके अंदर बिल्ट इन स्क्रीन है, रेस्ट एवरीथिंग वही है। इसके अंदर एक और चीज़ मैं बताना भूल गया कि देखें, आपका ये तो आप कनेक्ट, जब भी आपने अपडेट करना है तो ये आपका उसके साथ कनेक्ट कर सकते हैं, ड्रोन को और इस रिमोट को, प्लस कंप्यूटर के साथ अगर करना है तो ये USB है इसके साथ।
जो आपको एक चीज बताना मैं चाहूंगा कि जो प्लस है उसकी जो स्क्रीन है वो बहुत ब्राइट है। जो टेलीफोन आप इस्तेमाल करते हैं तो टेलीफोन के साथ आपको डेफिनेटली आप एक कवर, अगर सनलाइट है बहुत ज्यादा तो उसके अंदर इसको इस्तेमाल करना जरा थोड़ा सा मुश्किल होता है क्योंकि वीएन कम है। लेकिन जो इसका अपना रिमोट है प्रो प्लस का, वो एक्स्ट्रा ब्राइट है, उसमें आपको किसी कवर की जरूरत नहीं है, कुछ भी नहीं है, और आप उसको बिला झिझक सनलाइट हो कहीं भी हो आप उसको उड़ा सकते हो। तो बहरहाल अभी का जो मेरा ये इंट्रोडक्शन थी वो DJI Phantom 4 Pro एंड Phantom 4 Pro Plus के बारे में थी। तो अगली बार मैं इसका जो आपको डेमोन्स्ट्रेशन दूंगा कि इसको फ्लाई जब करते हैं तो वहां पे कौन कौन सी केयर करनी होती है, प्रिकॉशंस क्या है। अभी मैंने आपको ड्रोन्स के लिए प्रिकॉशंस बताई हैं, लेकिन नेक्स्ट टाइम जब ड्रोन को फ्लाई करेंगे तो फिर एरिया के हिसाब से भी मैं आपको प्रिकॉशन दूंगा। और इसकी प्रिकॉशंस वही हैं जो कि मैंने अपने पहले व्लॉग में जो FPV ड्रोन था वही उसके लिए प्रिकॉशन और इसके लिए सेम है। इजाजत दीजिए, नेक्स्ट टाइम इंशाल्लाह ताला फिर मुलाकात होगी। खुदा हाफिज़, अस्सलाम वालेकुम।